राम राम जी, राम राम। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा खूब सारा प्यार और बराबर वालों को मेरा हाय हेलो। तो आज मैं पायल तेजपाल बनाऊंगी ढाबा स्टाइल में आलू की सब्जी। जी चलिए देखते हैं कैसे बनेगी। पहले हम एक पैन ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसको गर्म होने देना है। तेल गरम हो गया, अब इसमें डालेंगे आलू। ये मैंने आलू लिए हैं, सेमी बॉइल्ड हैं। इसको तेल में फ्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा। एडजस्टमेंट करना तो कोई आलू से सीखे। आलू भी बड़ी गजब की चीज़ है। आलू किसी के साथ भी एडजस्ट होके सब्जी के टेस्ट को बढ़ा देता है। आलू मटर, आलू मेथी, आलू भिंडी, आलू पालक सब के साथ एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आज हम बनाएंगे ढाबे वाला आलू। अब आलू के साथ साथ हम इसमें प्याज डालेंगे। ये मैंने इस तरह से प्याज देसी स्टाइल में काटे हैं और ये साबुत हरी मिर्ची डालूंगी मैं इसमें 3-4। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। अभी हमारे आलू और ये हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब इसी में हम तड़के की तैयारी करेंगे। इसी को चढ़ा के इसमें तेल, इसको गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम लगाएंगे तड़का, बढ़िया सा जीरा, थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हींग और तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा, 1-2 लौंग और लाल मिर्ची भी डालूंगा। अब इसमें मैंने छोटे छोटे प्याज काट के लिए हुए हैं, छोटे छोटे प्याज इसके अंदर। ये चॉप गार्लिक है, थोड़ा सा ये और डालेंगे। इसको भूनेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे टमाटर। हल्का ब्राउन हो चुका है प्याज, अब इसमें छोटे छोटे कटे हुए टमाटर लिए हैं, ये डालेंगे। प्याज टमाटर हल्के पक चुके हैं, अब इसमें बारी है एक एक करके मसाले डालने की। इसमें डालेंगे नमक, इसमें डालेंगे हल्दी जो कि बेस्ट हल्दी सेलम की हल्दी से बनाई गई है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। अब इसको 3-4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, मसाला पक जाए अपना। 4-5 मिनट हो चुके हैं, हमारा मसाला पक गया है। अब इसमें डालेंगे हम ये आलू प्याज जो हमने फ्राई करके रखे हैं सब इसके अंदर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हरे धनिए के पत्ते डालूंगी थोड़े से, इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी ढाबा स्टाइल आलू की सब्जी बनके तैयार है। अब बारी है इसको सर्व करने की। गैस को ऑफ कर देंगे। बहुत ही अच्छी दिखने में है और खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। गर्मा गर्म ढाबे वाले आलू बनके तैयार है। खाइए, खिलाइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संजीव कपूर खजाना।